हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिपॉक्सिन टैबलेट का असर कब तक रहता है बॉडी पर, कब तक आप वीर को होल्ड कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने सिंडिलाफिल टैबलेट के यूजेस के बारे में बताया है, मैंने इस वीडियो में टैबलेट के अनबॉक्सिंग की है और उसके साथ ही इसके प्राइस को बताया है। तो अगर आप भी सिंडिलाफिल टैबलेट के बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिपॉक्सिन टैबलेट किस काम आती है? अगर आपको शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम है, आपका वीर जल्दी निकल जाता है, आप बेड पर लॉन्ग लास्ट नहीं रह पाते हैं या पार्टनर को छूते साथ ही वीर निकल जाता है, तो डिपॉक्सिन टैबलेट इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। डिपॉक्सिन टैबलेट आपके टाइम को बढ़ाती है। ये टैबलेट लेने के बाद आप देर तक संबंध बना पाते हैं। ये टैबलेट आपको बेहतर कंट्रोल देता है जिससे आप वीर को देर तक रोक पाते हैं। डिपॉक्सिन टैबलेट आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर देता है जिससे आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है इजेकुलेशन पर, आप देर तक होल्ड करके संबंध बना पाते हैं। तो अब सवाल आता है, डिपॉक्सिन टैबलेट लेने के बाद डिपॉक्सिन टैबलेट का असर कब तक रहता है बॉडी पर? डिपॉक्सिन टैबलेट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मेडिसिन है जिसको स्पेशली प्रीमैच्योर इजेकुलेशन या शीघ्र पतन के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। डिपॉक्सिन टैबलेट का 30 mg का डोज लेना चाहिए। अगर बाद में जरूरत पड़े या आपके डॉक्टर रिकमेंड करें या फिर इसके लोअर डोज का असर आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है या सही से नहीं हो रहा है, तो आप इसका हायर डोज ले सकते हैं जो 60 mg के डोज में आता है। डिपॉक्सिन टैबलेट को पानी के साथ सेक्स करने के 1 से 3 घंटे पहले लीजिए ताकि ये टैबलेट आपकी बॉडी में अच्छे से डिजॉल्व होकर आपको बेस्ट रिजल्ट दे। डिपॉक्सिन टैबलेट 30 mg लेने के बाद इसका असर बॉडी में 18 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रह सकता है। वहीं इसके हाइयर डोज 60 mg लेने पर इसका असर आपकी बॉडी में 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक रह सकता है। एक टैबलेट हर किसी की बॉडी में अलग अलग रिएक्ट करती है, तो असर भी अलग अलग ज़्यादा या कम मिल सकता है। इस टैबलेट का कभी भी ओवरडोज या दिन में एक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वरना साइड इफ़ेक्ट खतरनाक हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डिपॉक्सिन टैबलेट का असर कब तक रहता है बॉडी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।